खबर हनुमानगढ़ के नोहरे से, जहां सहावा बाईपास से सहावा बस स्टैंड तक बन रही करोड़ों रुपए के बजट वाली सड़क बनने से पहले ही जगह जगह से टूट रही है। आलम यह है कि करीब 1 किलोमीटर की दूरी में ही इस सड़क पर दर्जनों गड्ढे बने गए हैं। सड़क निर्माण में अमानक सामग्री का आयोग लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। नगर मंडल अध्यक्ष बसंत तिवारी के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में बताया गया कि करोड़ों रुपए के बजट वाली यह महत्वपूर्ण सड़क पूरी बनने से पहले ही टूटी जा रही है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और नागरिकों को सड़क के निर्माण में अमानक सामग्री का उपयोग ठेकेदार द्वारा देखने के आरोप लगाए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने आरोप लगाए कि ठेकेदार द्वारा तैयार सड़क निर्माण की सामग्री किसी दूसरे स्थान तारानगर से मंगवाई जा रही है, जिसके कारण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया कि कोलतारा की जगह टायरों के तेल का प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण सड़क बनने के साथ ही टूटती जा रही है। ज्ञापन में संबंधित ठेकेदार वे पीडब्ल्यूडी के घोषित अधिकारियों पर कार्यवाही करने तथा सड़क का दोबारा निर्माण करने की मांग की गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सड़क के निर्माण की देखरेख किसी विभाग के तकनीकी अधिकारी की बजाय विभाग के चतुर क्षेत्रीय कर्मचारी द्वारा कराई जा रही है। इससे सिर्फ सड़क का निर्माण घटिया क्वालिटी के साथ धड़ाधड़ हो रहा है, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नागरिकों ने खंडर में तबलित सड़क का निर्माण कार्य दोबारा करवाने तथा गुणवत्ता में सुधार की मांग की है। का बजट लगाकर भी वो सड़क बिल्कुल घटिया बनी है और भारी भ्रष्टाचार हुआ है उसके अंदर, और जगह जगह से वो अभी टूट गई है और जो बनी तो एक महीना भी नहीं हुआ है। इसलिए हम भाजपा कार्यकर्ता मांग करते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच की जाए और कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए और सड़क को दोबारा निर्माण की जाए, यही हमारी मांग है। पार्टी के अध्यक्ष बसंत तिवारी और उर्वरक रसायन के सदस्य हमारे काशीराम जी गोदारा के नेतृत्व में हमने सावा बाईपास रोड जो बन रही है नई, अभी उसका निर्माण चल ही रहा है, उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण क्यों किया? हमने कई बार अखबारों में पढ़ा कि अभी वो सड़क बनी नहीं और वो टूट रही है, तो हम भाजपा कार्यकर्ता सभी मिलकर एक निर्णय किया, हम जाकर वहां पर उसका सर्वे करेंगे। तो हमने वास्तव में उस सड़क का निरीक्षण किया, देखा तो उस सड़क के अंदर पूर्णतः भ्रष्टाचार से लिप्त वो सड़क बन रही है। हमने देखा वहाँ तारकोल की जगह तारकोल नहीं था, और काफ़ी दिन पहले हम भी वहाँ जब वो कार्य चल रहा था तो हम वहाँ उनसे पूछने गए, ये सड़क का ऐसे निर्माण हमें तो हल्का लग रहा है, तो उन्होंने हमें यह कहा कि अभी आप चिंता मत करो, ये एक सी सड़क बनेगी, आप देखते रह जाओगे। तो एक मन प्रफुल्लित हुआ कि नोर एक ऐसा क्षेत्र है कि वास्तव में सड़क की जरूरत थी और हम खुश होकर आए भी ये सड़क बनी, बड़ी जोरदार बनेगी। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि ये पूर्णतः भ्रष्टाचार है, और यहाँ ये सड़क नहीं, इससे तो पुरानी सड़क अच्छी थी और पुरानी सड़क को तोड़ के नई तैयार की है, अभी महीना ही नहीं हुआ और उस सड़क का टूटना शुरू हो गया है और पूर्णतः टूट भी चुकी है। और आज हमने कलेक्टर महोदय के नाम, जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है कि आप उसकी जांच करें और जो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें।